अभी जो डिस्कस कर रहे थे उसमें हम लोग देखे कि जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तभी जाके एक्सेलरेशन में वो रिलेशन लिख सकते हैं, पर अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है तब एक्सेलरेशन में रिलेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो है सो जो हम लोग अप्रोच सेपरेशन डिस्कस किए थे वहां पे हम लोग देखे थे कि दो तरह का वेलोसिटी होता है, एक जो पार्टिकल मान लो ऐसे जा रहा है इसका वेलोसिटी इधर की तरफ है v1 थीटा एंगल पे, और इसका मान लो इधर की तरफ है v2 फाई एंगल पे। तो इस दोनों वेलोसिटी को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक रेडियल और दूसरा टेंजेंशियल। जो रेडियल कंपोनेंट है वो इधर आ जाएगा इसका v1 cos थीटा और इसका आ जाएगा v2 cos phi, और टेंजेंशियल इसका इधर की तरफ आ जाएगा v1 sin थीटा और इसका इधर की तरफ आ जाएगा v2 sin phi। दोनों किस रेट से नजदीक या दूर जा रहा है ये रेडियल कंपोनेंट से पता चलता है। तो यहां से हम लोगों को पता है कि दोनों का अप्रोच स्पीड v2 cos phi माइनस v1 cos थीटा होगा, या दोनों का सेपरेशन स्पीड v1 cos phi माइनस v1 cos थीटा माइनस v2 cos phi होगा, दोनों का सेपरेशन स्पीड, ठीक है। जो दूसरा वाला कंपोनेंट है उसको हम लोग देखे थे कि ये बताता है कि किस रेट से घूम रहा है, ठीक है, इसके एंगल के चेंज होने के रेट को बताता है, जिसको हम लोग ओमेगा लिखे थे, और ओमेगा एक्चुअल में डी थीटा बाई डी टी होता है, जिस रेट से एंगल चेंज हो रहा है उसी चीज को हम लोग उसका एंगुलर स्पीड बोलते हैं, और वो होता था दोनों का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है रिलेटिव डिवाइडेड बाय इस दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस उस समय आर है तो जिस रेट से एंगल चेंज हो रहा है डी थीटा बाई डी टी वो v1 साइन थीटा v1 साइन थीटा प्लस v2 साइन फाई। प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इधर की तरफ है ये इधर की तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ज्यादा तेजी से घूमेगा, दोनों जब सेम डायरेक्शन में होगा तो उसको घटाएंगे। तो ये जो रिलेटिव टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसको तुम दोनों के बीच के सेपरेशन से डिवाइड कर देते हो तब तुमको ओमेगा मिलता है या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल मिलता है। तो हम लोग देखे थे कि वहां पे अगर वेलोसिटी है तो डिफरेंशिएट करने पे एक डी थीटा बाई डी टी वाला टर्म आता है, उस डी थीटा बाई डी टी की जगह तुम ये वैल्यू रख देते हो और तब क्वेश्चन को सोल्व कर देते हो, ठीक है। जैसे ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, एक रॉड है ये एंगल थीटा है, इसको हम लोग इधर की तरफ वी वेलोसिटी से ला रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ किस वेलोसिटी से आएगा, ये हम लोग क्लास में ऑलरेडी बना चुके हैं और ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, तुमको दोनों के अप्रोच और सेपरेशन स्पीड को इक्वल कर देना है, दोनों के बीच का सेपरेशन स्पीड जीरो होना है। तो इसका जो रेडियल कंपोनेंट होगा वी कॉस थीटा और इसका जो रेडियल कंपोनेंट होगा इसको अगर v डैश मान लेते हैं तो इसका रेडियल कंपोनेंट v डैश साइन थीटा आ जाएगा क्योंकि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, और तब जो है सो हम लोग कहेंगे कि v डैश साइन थीटा v cos थीटा दोनों इक्वल होना चाहिए, यहां से v डैश का वैल्यू v cot थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये सब लोगों को ध्यान में है, ये काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगर क्वेश्चन हो कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको हम लोग कौन से वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को दो तरह से हम लोग बनाते हैं, एक हो गया कैलकुलस कि दोनों में रिलेशन लिखो उसको डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरा हो गया कि डिफरेंशिएट अभी नहीं करेंगे लेकिन जो है सो रिलेशन हम लोग इसी को लेके बनेंगे कि v डैश जो है तो v cot थीटा है, तो इसको डिफरेंशिएट करने से हमको क्या मिलेगा, इसका जो एक्सेलरेशन आएगा a डैश ये हो जाएगा v cot का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल से तो क्या करना है कि पहले इसको डिफरेंशिएट करना है, इसके अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसके अंदर थीटा है उसका डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी चलाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो अब जो है सो a डैश का वैल्यू आ जाएगा, एक और टर्म आता अगर v वेरिएबल नहीं होता, अब v वेरिएबल होता तो, पर इसको हम लोग कॉन्स्टेंट स्पीड से ले जा रहे हैं तो यहां पे v कॉन्स्टेंट है, सिर्फ cot थीटा वेरिएबल है, समझ में आया। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए, माइनस v कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी आया,
और अब डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू हम लोग इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी से निकाल लेंगे। तो ये इधर की तरफ वी से जा रहा है, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी ये होगा, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इसके वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट होगा। ये वी है तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वी साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी डैश कॉस थीटा। पर चूंकि वी डैश का वैल्यू वी कॉट थीटा के बराबर है, तो ये आ जाएगा वी कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब और इस रॉड का लेंथ अगर एल है, तो अब जो है सो डी थीटा बाई डी टी के जगह, डी थीटा बाई डी टी के जगह हम लोग लिख सकते हैं दोनों का रेडियल कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट का सम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो v इंटू साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो उसको तुम लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ये समझ में आया, और जो है तो इसको फिर डिवाइड कर देंगे हम लोग दोनों के बीच के डिस्टेंस से। तो रॉड का लेंथ अगर l है तो ये डिस्टेंस l के बराबर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जो वन हो जाएगा, और ये चला आएगा v डिवाइडेड बाई l साइन थीटा। तो d थीटा बाई dt का वैल्यू v l साइन v बाई l साइन थीटा होगा, लेकिन चूंकि थीटा घट रहा है, जब इसको इधर ले जा रहे हो थीटा घट रहा है, तो हम लोग d थीटा बाई dt को निगेटिव लेते हैं। बढ़ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव लेते हैं, घट रहा है उसका डिफरेंशिएशन निगेटिव लेते हैं। इसमें अगर परेशानी हो रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, जब तुम मैथ में कैलकुलस पढ़ोगे तो तुमको ये सब चीज नेचुरल लगेगा, अभी थोड़ा बहुत परेशानी होता है पॉजिटिव निगेटिव को लेके। ठीक है, ऐसे अगर तुम सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते हो तो फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड वही आएगा, प्लस माइनस बस वहां से अंतर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पे d थीटा बाई dt के जगह हम लोग निगेटिव लेंगे क्योंकि थीटा डिक्रीजिंग है, और यहां पे पुट कर देंगे तो उसका जो एक्सेलरेशन है a डैश वो आ जाएगा v इंटू स्क्वायर, v का स्क्वायर हम लोग ले लेंगे, ये v है और ये v है, v स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बाई l साइन थीटा, या इसको तुम लिख सकते हो v स्क्वायर बाई l साइन क्यू थीटा। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ v स्क्वायर बाई l साइन क्यूब थीटा होगा। बात समझ में आया, तो जो है सो जब वेलोसिटी होगा तो कहानी थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, तुमको d थीटा बाई dt का वैल्यू निकालना पड़ता है, जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। अगेन कैलकुलस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, कैलकुलस में तुमको सिर्फ समझना है कि अगर तुम्हारे पास रिलेशन है वी वन साइन थीटा इज इक्वल टू वी टू कॉस थीटा, अगर ये रिलेशन है तो इसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा ए वन साइन थीटा प्लस वी वन कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू ए टू कॉस थीटा प्लस वी टू प्लस नहीं माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई। ठीक है, तो इसको दोनों अगर वेरिएबल है इतना इंटू इतना कर रहा है, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको रहने देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन आ गया, ये रहने दिए, फिर इसको पकड़ेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको रहने दिए, इसको डिफ्रेंशिएट किए तो साइन थीटा का कॉस थीटा हुआ, लेकिन हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, तो जो है सो यहां पर डी थीटा बाई डी टी से गुना हो गया। ठीक है, सिमिलरली वी टू की जगह ए टू कॉस थीटा, वी टू कॉस थीटा की जगह, और दूसरा वाला टर्म में v2 into cos theta का differentiation minus sin theta है into d theta by dt की है। ठीक है, तो ये आ गया। अब जो है सो तुम d theta by dt का वैल्यू निकाल सकते हो, तो तुम a का वैल्यू निकाल सकते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए प्लेलिस्ट और वीडियो पर क्लिक करें। नए अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।